पिस्टन व सिलेंडर वॉल्स को वर्टिकल स्क्रैचेस के लिए विजुअली जांच करें। यदि उन पर स्क्रैचेस पाए जाएं, तो सिलेंडर पिस्टन को बदल दें। रिंग ग्रूव्स में से भी कार्बन डिपॉजिट्स हटाएं। पिस्टन पिन को ब्लू डिस्कलरेशन अथवा ग्रूव्स के लिए जांच करें। यदि इनमें से कुछ भी पाया जाए तो पिस्टन पिन बदल दें। पिस्टन पिन का आउटसाइड डायामीटर माइक्रोमीटर से नापें। यदि आउटसाइड डायामीटर स्पेसिफिकेशन के बाहर हो तो पिस्टन पिन को बदल दें। पिस्टन पिन आउटसाइड डायामीटर 14.995 mm से 15 mm होना चाहिए तथा उसका सर्विस लिमिट 14.975 mm है। उसके फ्री मूवमेंट की जांच करें। पिस्टन पिन बोर इनसाइड डायामीटर को इनसाइड माइक्रोमीटर से नापें। पिस्टन पिन बोर इनसाइड डायामीटर 15.002 mm से 15.013 mm होना चाहिए तथा उसका सर्विस लिमिट 15.043 mm है। फिर सिलेंडर का साइड टू साइड व फ्रंट टू बैक मेजरमेंट लेकर सिलेंडर बोर को नापें। माइक्रोमीटर का जीरो एडजस्ट कर लें। सिलेंडर साइज के अधिकतम रीडिंग के लिए सिलेंडर को बोर गेज पर उपयुक्त अटैचमेंट लगाकर नापें। बोर गेज डायल का जीरो एडजस्ट करें। फिर सिलेंडर बोर को नापने के लिए सिलेंडर के एक्स एक्सिस पर रीडिंग्स लें। ऊपर मध्य में और अंततः निचले हिस्से पर। इसी प्रकार वाई एक्सिस पर भी रीडिंग्स लें। ऊपर मध्य में तथा नीचे के हिस्से पर। सिलेंडर बोर मैक्सिमम डायामीटर डी है। डायामीटर का टेपर अपर डायामीटर का अधिकतम माइनस लोअर डायामीटर का अधिकतम होगा। आउट ऑफ राउंड लिमिट की गणना इस प्रकार होती है। वन साइड मेजरमेंट का अधिकतम माइनस हर एक पॉइंट के क्रॉस मेजरमेंट का न्यूनतम। यदि कोई मेजरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाहर हो तो सिलेंडर पिस्टन व पिस्टन रिंग इन तीनों को बदल दें। पिस्टन स्कर्ट के निचले एज से 5 mm पर पिस्टन स्कर्ट डायामीटर को माइक्रोमीटर से नापें। पिस्टन स्कर्ट डायामीटर 57.970 mm से 57.985 mm होनी चाहिए।